अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाक इडियो डॉट टी वी। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस टिश्यू दैट इज सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेल लेवल। ओके, इफ वी सी टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मतलब ये कि जब सेल्स का एक ग्रुप मिल के एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उन सेल्स के ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, टिश्यू का नाम दे देते हैं। अगर टिश्यू की बात करें तो इसके लिए बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, जो कि EHS पार्ट फर्स्ट की अगर बात करें या डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी पार्ट फर्स्ट की बात करें तो उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाया जाता है, तो उसमें आप इससे बहुत क्लियरली टिश्यू को बहुत क्लियरली अच्छी तरह विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो टच करूँगा, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मोस्टली आपने हिस्टोलॉजी में ही जाके पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले अगर देखें एक साइंटिस्ट जिसका नाम मैरी फ्रांसिस बैचट है, ही फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड टिश्यूज़। ओके, ही इज़ द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी एंड टिश्यूज़। ठीक है, इसे हिस्टोलॉजी का फाउंडर और टिश्यूज़ का फाउंडर कहा जाता है। अच्छा, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं दैट आर 4 in number। द फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़, सेकंड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड वन इज़ नर्वस टिश्यूज़ एंड फोर्थ वन इज़ मस्कुलर टिश्यूज़। अच्छा, अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ को देखें तो दीज आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू 3 types। वन इज स्क्वेमस टिश्यूज, सेकेंड वन इज कोलमनर एंड थर्ड वन इज कोबॉइड्रल। ओके, अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो इनमें कार्टिलेज और बोन्स वगैरह आ जाते हैं। नर्वस टिश्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं आते हैं, आपने याद रखना, सिर्फ न्यूरॉन्स कभी नहीं कहने, न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग टिश्यूज आर द पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यूज। अच्छा, अगर मसल टिश्यूज़ की बात करें तो दीज आर ऑफ अगेन 3 types। फर्स्ट वन इज स्केल्टल टिश्यूज, सेकेंडली स्मूथ टिश्यूज एंड थर्डली कार्डिक टिश्यूज। ठीक है, दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। ठीक है, इसमें आपने सिंपली जो है, चूँकि हिस्टोलॉजी में हमने इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, तो फिजियोलॉजी में इसे बस सिर्फ इसकी टिश्यू की डेफिनेशन आनी चाहिए, किसने हिस्टोलॉजी को डिस्कवर किया, मतलब फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है या फाउंडर ऑफ टिश्यूज कौन है। ठीक है, इसके बाद पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में कितनी किस्म के मेजर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, और उन मेजर टिश्यूज़ की नेक्स्ट कौन कौन सी अकसाम है। ठीक है, इन मेजर टिश्यूज़ लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ या मसल टिश्यूज़ हैं, तो इनकी फर्दर टाइप्स का पता होना चाहिए, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ फर्दर स्क्वेमस कोलमनर और को बैटल पर मुश्तमिल होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ अगर देखें तो ये कार्टिलेज, बोन और ब्लड, सॉरी ये पहले मैं मिस कर गया था, तो ब्लड इज़ आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोई पूछे कि ब्लड क्या है तो ब्लड का आपने क्या बताना है, ब्लड इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, नेक्स्ट नर्वस टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें न्यूरॉन और सपोर्टिंग टिश्यूज़ आ जाते हैं। मसल टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें स्केल्टल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, ये तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।